नमस्कार इन्वेस्टर्स, आज हम बात करेंगे एलॉयड स्टील शेयर के बारे में। अगर आप देखें यहाँ पर हमें एक तगड़ा सा गिरावट देखने को मिली है, अराउंड 2% की गिरावट थी ये स्टॉक में। हर एक स्टॉक को हमें बढ़ते हुए मिला, बट ये स्टॉक अच्छा खासा गिरावट हमें दिखा रहा है। इस स्टॉक की अगर मैं बात करूँ तो प्रीवियस टाइम में इसने काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं, बट अभी हमें गिरावट देखने को मिल रही है। ये गिरावट कहाँ तक हो सकती है इसका आपको मैं एक आइडिया दे देता हूँ। 12.50 रुपीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। जब तक ये इसके ऊपर है तब तक हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट जिस दिन ये इसको ब्रेक कर देता है और कहीं ना कहीं नीचे रेड कैंडल का फॉर्मेशन होता है जो कि वॉल्यूमेट्रिक रहती है अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ, तो हमें ब्रेकआउट भी देखने को मिल सकता है इन द डाउनसाइड ट्रेंड। मैंने 12.75 रुपीज़ का ऑलरेडी एक अच्छा लेवल बताया था आपको कि इसके नीचे अगर हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो गिरावट होगी। गिरावट आपको देखने को भी मिली, जितना रुपये बचा पाया होगा उसने डेफिनेटली आज के दिन बचाया होगा। अब अगर बात करें स्टॉक में जो हमें मोमेंटम देखने को मिलेगा वो दोबारा से इस लाइन को ब्रेक करे, अगर ये ब्रेक होती है लाइन सो देन हमें एक अपॉर्चुनिटी बनानी है जिसमें कि हम इसमें बाइंग बनाएंगे और 30.45 रुपीज़ के रखेंगे अपना रेजिस्टेंस लेवल का फर्स्ट टारगेट। अगर ये अचीव होता है इन द अपकमिंग टाइम और ये ब्रेक, ये वाली जो 12.50 रुपीज़ के जो लेवल्स हैं वो ब्रेक नहीं होते हैं, सो हमें कहीं ना कहीं अच्छा खासा मोमेंटम भी स्टॉक के अंदर देखने को मिल जाएगा। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ग्रीन कैंडल का अपसाइड ट्रेंड में अगर फॉर्मेशन होगा इसको ब्रेक करने के बाद वॉल्यूम का हमें ध्यान रखना है, वॉल्यूम अच्छा खासा बनना चाहिए। जैसा कि मैं जानता हूँ स्टॉक में कंसोलिडेशन काफ़ी दिनों से चल रहा था, अपसाइड ट्रेंड से गिरावट थी, यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ, ब्रेक हुए लेवल्स। अब अगर हमें गिरावट कहीं ना कहीं डाउन साइड में, मुझे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा लगती है स्टॉक की, बिकॉज डाउन साइड में आप अगर देखें तो 2-3 बार ये ब्रेक करने की कोशिश कर चुका है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। सो इस टाइम मुझे लगता है स्ट्रॉन्ग कैंडल्स का फॉर्मेशन है इन द राइट साइड अगर हम देखें तो, सो उसको भी हम कंसिडर करेंगे फॉर द नेक्स्ट बाइंग और सेलिंग अपॉर्चुनिटी।